माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा हो माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर तू दुआओं का है घर। मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा हो माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा। 100 ध्रुव तारे साथ मिलाकर एक बिंब साकार गढ़ा, और सब दुनिया का नेह जुटाकर एक रूप आकार गढ़ा, और उस ब्रह्मा ने इस सृष्टि को स्वर्ग से पावन करने को ममता का आंचल घट देकर माँ और माँ का प्यार गढ़ा, माँ और माँ का प्यार गढ़ा। माँ शब्द अपने आप में एक विशेषण है, जहाँ भी वह जुड़ जाए वह पावन और पुनीत हो जाता है, जैसे धरती माँ, गंगा माँ, गौ माता। हमारी माँ, मेरी पूज्य माँ के साहित्य के प्रति जो प्रेम था, उसके कुछ छींटे मेरे जीवन में पड़े और मैं आज एक साहित्यकार के रूप में यहाँ स्थापित हूँ। मेरी माँ मेरी शक्ति है, प्रेरणा है, मेरी सबसे अच्छी गुरु है, और जब भी मुझे जीवन में निराशा होती है तब उनके पास पहुँचते ही एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सारी समस्याओं को, सारी व्याधियों का शमन हो जाता है। मैंने एक मुक्तक और पढ़ना चाहता हूँ माँ के सम्मान में, कि किसी दुश्मन किसी हालात से नहीं डरता, मैं किसी शह या किसी मात से नहीं डरता, संग चलती हैं मेरे साथ दुआएं माँ की, अब किसी तोप या तलवार से नहीं डरता। वो दुआओं का समंदर उतार देती है, सारी दौलत मेरे सदके पर बार देती है, और ठोकरें राह में लग जाए गर मुझे कोई, आह माँ की मुझे अब तक सुनाई देती है। माँ के विषय में लिखना संभव नहीं है, बस इतना संभव है कि माँ है तो हम हैं, उनसे ही हमारे जीवन में खुशियाँ हैं, सम्पन्नता है और प्रेम है। नहीं, माँ तो मेरी एक्सपर्ट होगी, लेकिन हाँ। मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ। कब आपको सबसे ज़्यादा उनकी याद आती है? सबसे ज़्यादा उनकी जो खुशी का माहौल होता है, और जब कोई कष्ट होता है तो उनकी याद आती है, अभी भी याद आती है। उनका मैं मदर्स डे मनाता भी हूँ, एक्सपायरी डेट जब उनका। अपनी माँ की कोई खास बात आपको याद आती है आज? मेरी माँ की खास बात यह है कि वो कहती थी, बेटा सबका भला करो, किसी गरीब को कोई परेशान मत करना, जिंदगी में सारे काम अच्छे करना। जब मेरी माँ का देहांत हुआ, अंत्येष्टि के पश्चात रात्रि में जब सब लोग सो रहे थे, तो रात में मेरी माँ सपने में आई और मुझसे कहा था कि तुम दुनिया भर की कविताएं लिखते हो, क्या कुछ लाइनें आज मेरे लिए नहीं लिखोगे? तो मैंने रात में ही लगभग 2 और 2:30 बजे के बीच में रोते रोते ये कविता लिखी थी। छोटी सी कविता है। मेरी माँ सपने में आई, मुझको इतनी बात बताई। मेरी माँ सपने में आई, मुझको इतनी बात बताई, कभी न होना लाल उदास, सदा रहूँगी सबके पास। मेरी माँ सपने में आई, मुझको इतनी बात बताई, कभी न होना लाल उदास, सदा रहूँगी सबके पास। दुख सुख सदा न रहने वाले, सुखी कष्ट भी सहने वाले, धीरज से तुम काम चलाना, तुम सब मिलकर नाम बढ़ाना,
सबका सुख ही मेरा सुख है, मुझे बताओ कौन सा दुख है। मैंने कहा नहीं माँ, ऐसी दुख की कोई बात नहीं है, माँ के प्यार से बढ़कर माता कोई भी सौगात नहीं है। मुझको रोता छोड़ स्वप्न में, दूर स्वर्ग में गद्दी पाई, मेरी माँ सपने में आई, मेरी माँ सपने में आई। बिगड़ी किस्मत भी सवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। बिगड़ी किस्मत भी सवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा हो माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा। आंगन आंगन महकाती है माँ, आंगन आंगन महकाती है माँ, जीवन रंग बरसाती है माँ। आंगन आंगन महकाती है माँ, जीवन रंग बरसाती है माँ, और आंगन की तुलसी के जैसी, आंगन की तुलसी के जैसी सबको ही अपनाती है माँ। और सुख दुख है जीवन के पहलू, सुख दुख है जीवन के पहलू, हमको ये बतलाती है माँ। सुख दुख है जीवन के पहलू, हमको ये बतलाती है माँ। और करो भले न तीर्थ पूजा कोई, करो भले ना तीर्थ पूजा कोई, भगवान ही मानी जाती है माँ, भगवान ही मानी जाती है माँ। और माँ का दिल ना कभी दुखाना, माँ का दिल ना कभी दुखाना, जीवन पर दिखलाती है माँ। और माँ हमारे लिए सिर्फ माँ ही नहीं, माँ हमारा अस्तित्व है, माँ के बिना हमारा अस्तित्व नहीं, हमारी प्रथम गुरु है माँ। जब बच्चे सफलता की ओर बढ़ते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो माँ उनसे भी ज़्यादा उनकी सफलता पर खुशियाँ मनाती हैं। बच्चा जब किसी दुखद स्थिति में होता है तो माँ अपने बच्चे से भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। माँ के लिए उसकी संतान सर्वोपरि होती है, वह अपने बच्चों के लिए पूर्ण निष्ठावान होती है। बच्चे माँ के प्यार और देखभाल के बिना अधूरे हैं। हम अपने जीवन में माँ के त्याग, बलिदान, ममत्व और योगदान की कभी गणना नहीं कर सकते, तथा उनकी सेवा में संलग्न रहने का प्रयास करना चाहिए। माँ है एहसास ममता का प्रतिमान है, माँ है एहसास ममता का प्रतिमान है, गम हो दुख हो खुशी माँ समाधान है। माँ को जब भी पुकारा मिला सिरा, माँ की रहमत से संकट का अवसान है। माँ है एहसास ममता का प्रतिमान है। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ। तू है अमर का जहां हो, तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़े जोर से लगता है, मेरी माँ मेरी माँ। उंगली पकड़ के
चलना सिखाया, मीठी लोरी से मुझको सुलाया। माँ तुम सबसे अच्छी हो, ओ माँ तुम सबसे अच्छी हो। मैंने नींदों से तुमको जगाया, तुमने सदा ही सिर सहलाया। माँ तुम सबसे अच्छी हो, माँ तुम सबसे अच्छी हो। माँ है तो दुनिया जहान है, माँ के बिना घर वीरान है। माँ बच्चे की जान है, माँ है ईश्वर है इबादत है। माँ के बिना घर घर नहीं है, मिस्त्री पत्थर का मकान है। माँ अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है बच्चे को, छपकी देकर प्यार से सुलाती है बच्चे को। माँ के ही लिखावट हो, मैं क्या लिखूँ माँ के बारे में, उसी का ही दिया हुआ सब है, माँ के सिवा कुछ नहीं है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हो ये जो दुनिया है, ये जग है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रात काल उठके रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभु माता। ये चौपाई एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देती है कि भगवान जो है तीन लोगों का सम्मान करते हैं, सबसे पहले माँ का, फिर पिता का, फिर गुरु का। यानी परमात्मा से भी अगर सबसे पहला स्थान है, उच्च स्थान है, तो माँ का है। क्योंकि माँ में ममता होती है, माँ में दया होती है, ममता माँ में स्नेह होता है। ये सभी के सभी गुण मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते में नहीं होता है, इसलिए माँ की उपयोगिता, माँ की आराधना हम सब के करने चाहिए। हमारे जीवन में माँ का इसलिए महत्व है। किस तरह से संघर्ष करके एक आम महिला ऊंचाई तक पहुंच सकती है, इसके कई उदाहरण भारत में देखने को मिलते हैं। यदि शिवाजी बने तो जीजाबाई की वजह से, यदि स्वामी विवेकानंद बने तो भी अपनी माँ की वजह से, चाहे सुभाष चंद्र बोस का हम नाम लें वो भी अपनी माँ की वजह से। जो हमारी मातृभूमि में माँ के द्वारा संस्कार, मातृशक्ति के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं, उससे ही देश महान बना है। देश महान होने के पीछे मातृशक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे हो अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माता जी को मिस करते हैं, जब शेयर करना होता कुछ दुखी होते, जो माँ से कह सकते और किसी से नहीं कह सकते, तो उस समय बहुत उनकी याद आती। तो कैसे मैनेज करती हैं आप आज? बच्चों से शेयर कर लेते कभी कभी, बच्चों से शेयर कर लेते कभी कभी, मन में सोच के रह जाते, लेकिन याद बहुत आती। जब दुखी मन होता तब बहुत ज्यादा याद आती। आपकी माता जी की कोई एक अच्छाई आपको याद है जो आपको बहुत पसंद आती थी, आती है आज भी? अब उनका ऐसा है कि जैसे हमें कोई कष्ट हुआ तो वो 3-4 दिन तक उसी के बारे में सोचती रहेंगी, पहुँचती भी रहेंगी। जैसे कभी कुछ दर्द आ गया, माँ, माँ शब्द का अर्थ होता है ममता का दया सागर। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 2 किलो का भारी पत्थर अपने पेट में बांध के घूमो, तो आप कहोगे हैदर भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
और माँ वो होती है जो 9 महीने हमें अपने पेट में पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, हमारी सारी दुख तकलीफ बर्दाश्त करती है, और हम बड़े होकर उनसे तू तड़ाक से बोले, उनकी इज्जत ना करें, तो हम पढ़ लिख के भी अनपढ़ के समान। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।